ये जो पार्टी, ये जो उठा हुआ दिख रहा है, ये इसका किया जा रहा है। हाँ बोलचिलो बोलचिल जा बेरा ना तो गाली भी सुन रहे सैड वीडियो के लिए। अभी हम गाली मतलब वीडियो देख के आप लोग गाइस, ये जो स्टेडियम दिख रहा है आप लोगों को, ये है फुटबॉल प्ले ग्राउंड सॉल्ट लेक का। वो देखो MT15 लगा हुआ है ना, भाई ने बहुत दिन पहले एक्सीडेंट किया हुआ था, उसके बाद मेरे को कॉल लगा दादा हमारा एक्सीडेंट रहेगा जी ना ठीक। Hey what's up guys, this is Jarus and welcome back to my YouTube channel Jarus Vlog। So शुरुआत करते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में आप लोगों को। अब मेरे पीछे जो स्टैचू दिख रहा है काफ़ी ब्यूटीफुल स्टैचू है, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:55 हो गया। अभी कहने कि मेरे को घर जाना है, घर जाने के बाद भाई साहब चेन क्लीन करना है मेरा बाइक का, और यहाँ पे देखो बोतल छतरी, क्योंकि आसमान का हालत देखो, बारिश होने वाला है मे भी, और ये बोतल रखा हुआ है। अब सोचोगे कि मैं बोतल लेके क्या कर रहा हूँ, 3 दिन से मेरा बाइक जो है घर पे ही पड़ा हुआ है, ना ही उसको पकड़ रहे हैं, ना ही स्टार्ट किया, ना ही कुछ किया। अभी दुकान में सुबह को लेके आए तो ऑयल टैंक जब खोले हम लोग तब देखे कि उसमें ऑयल बहुत मिनिमम है। तब सोचा गया कि मेरे 4-व्हीलर पर जब एक बोतल है तो मैं जब बाहर निकल ही रहा हूँ तो क्यों ना भर लिया जाए। तो अभी क्या ना कि जाएंगे चेन क्लीन करेंगे, रीज़न की चेन भी बहुत दिनों से गंदा होकर पड़ा हुआ है। गाइस ये जो स्टेडियम दिख रहा है आप लोगों को, ये है फुटबॉल प्ले ग्राउंड सॉल्ट लेक का, युवा भारती तिरंगन। तो इसके अंदर शायद कुछ खेला वगैरह चल रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। ये देखो काफ़ी एक टाइम पहले हम भी यहाँ पे खेलने आया करते थे, साई सॉल्ट लेक जो है ना, सॉल्ट लेक साई जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमने 4 साल गुजारा है फुटबॉल पे। ये देखो भाई साहब लग रहा है कि अभी गिरेगा बारिश। तो चलो अभी निकलते, अपना जो काम है वो ऑलरेडी 1 बज चुका है, तो जल्दी से जल्दी चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि चेन क्लीन करने में भी बहुत टाइम लग जाता है अगर आप प्रॉपर क्लीन करोगे तो। तो मेरे को आज प्रॉपर क्लीन करना है चेन को, तो चलो निकलते हैं अभी। अभी टाइम हो गया है दोपहर के 2:20, और ये देखो यहाँ पे हमने 200 मिलीलीटर का एक बोतल में डाल लिया है, रीज़न कि मेरे को वो चेन जो है ना क्लीन करना है। तो एक बार चेन को दिखा देते, चेन का हालत क्या है, ये देखो चेन का पूरा पार्ट जो है ब्लैक हो गया। सो हमारे को अभी ये घर लेके जाना है, मतलब घर के वहीं करेंगे, यहाँ पे एक छेदा करना है, और यहाँ ये रहा हमारे पास चेन को क्लीन करने वाला ब्रश, और एक कपड़ा भी चाहिए हमारे को, कपड़ा। अरे वाह ये रहा कपड़ा हमारा। तो चलो अभी निकलते हैं, देवराज आने वाला, वो मेरा थोड़ा सा हेल्प करेगा कैमरा पकड़ने में, क्योंकि वहाँ पे नीचे रख के फिर वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी कहने की 1/2 घंटा तो लगने वाला है चेन जो क्लीन करने के लिए, और मैंने अभी नोटिस किया मेरे पास लूप जो है वो खत्म हो गया। तो पहले क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो फिर मोबिल जो है थोड़ा सा दे देंगे, मेरे पास एक मोबिल रखा हुआ है वहाँ पे वो डब्बा पे, तो थोड़ा सा हम मोबिल भी उस पर डाल देंगे। लूप लाने के लिए 2-3 दिन तो लगेगा, क्योंकि वैलेंटाइन जाना पड़ेगा फिर वहाँ से, समझ लीजिए।
ऑलमोस्ट डन। ये देखो अभी देखो थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, ब्लैक पार्ट जो हट गया। सो अभी टाइम हो गया दोपहर के 3:07, खाना भी है। सो चलो अभी क्या ना कि मोबिल डालते, उसके बाद थोड़े एक राउंड मार के आते, दैट्स इट। तो क्या है ना कि इतना सा रह गया है, तो क्या करना है, डाल देना अंदर। सोना से भी कीमती है, थोड़ा महंगा चल रहा है ना अभी। हेलो कागा कायरो पर तुला दी। तो गाइस ये ना नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, तो उस दिन हम छत से मतलब अपने बैल्कनी से देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे देखो इधर लाओ कैमरा, ये जो पार्ट ये जो उठा हुआ दिख रहा है, ये इसका किया जा रहा है। ऊपर से उसका आवाज़ लगाया, क्या है की चीज, उसके बाद ये छोड़ के भाग गया। बोलती एटा एक बार बोलती है के क्या ना उठी चिलीस बॉल क्या नो भाई, कैमरा से बोल, कैमरा से बोल, बोलो ए तुम क्या ना उठिए छो हम के क्या ना तो क्या बोलते बोलचे तो तुम ही आई जिनिस से क्या ना उठी छो, कैमरा से बोलो, कैमरा ईटा अमी ना कैमरा ईटा आप लोग वो वायरल छोटा बच्चा लोग का वीडियो देखते ना कि बहुत मतलब बड़ा बड़ा बात बोलता है, ये उनमें से एक है। क्योंकि कभी कभार अगर बात मैं सुनाऊँ ना आप लोगों को तो देखना कि ये कितना बात बोलता है। तो चलो इस टिकट तुलब तुलबे ना, तो बोले दो कैमरा तो बोले दो, आर तुलब ना आर कारो गाड़ी थे खोचा खुची करब ना देख रहे हो। तो चलो एक राउंड मार के आते हैं भूते से। यहाँ से आने वाला है अभी, वहाँ आ गया। मेहनत पूरा बेकार, क्योंकि उतना इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। मोबाइल डाले इतना आधा घंटा यहाँ पे टाइम वेस्ट किए, तो सही से नहीं हुआ गाइस। वो देखो MT15 लगा हुआ है ना, भाई ने बहुत दिन पहले एक्सीडेंट किया हुआ था, उसके बाद मेरे को कॉल लगा, दादा हमारा तो एक्सीडेंट रहेगा चाहिए ना। ठीक है, ये वही लड़का है जिसका हमने वो बाइक सर्विस वाला वीडियो में जिसको लेके गए थे रात पे, आकाश नाम था उसका, मैं भी नई बार बुलाते हम लोग। ठीक है, नहीं वो फ़ोन लगाते हैं, सूरज दा इसका पार्ट्स नहीं मिला, कहाँ से लाए, ये पार्ट्स नहीं मिले, इतना इसका प्राइस कितना है, कौन से सर्विस सेंटर पे जाए, जो भी हो मेरे को कॉल करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है 4:20 और भाई इतना देर से क्या कर रहा था, वीडियो कर रहा था अपने पेज के लिए। हाँ, उसका एक पेज है फेसबुक में, वही बॉय है जो वायरल लड़का जो 2 दिन में 8K 10K व्यूज ला रहा है अपने पेज पे। तो नाम क्या है, गाली भी सुन रहे सैड वीडियो के लिए। अभी हम गाली मतलब वीडियो देख के आप लोग नाम बता अपने वीडियो चैनल का, पेज का नाम है एटा रियलिटी, बंगाली ब्लॉगर, बंगाली क्रिएटर। कुछ दिन में भी ब्लॉग स्टार्ट करने वाला है सोना जोशी के जैसा। अगर फेमस हो गया तो क्या करना है पता है ना, क्या डील हुआ था हमारे साथ, ऑफ कैमरा होगा, वो ऑफ कैमरा पे होगा। Hey, what's up guys? So अभी टाइम हो गया है शाम के 6:07। सो 6:07 हो गया, तो आज का हमारा पहला काम है, डेफिनेटली ये काम तो मेरे को करना ही पड़ेगा। कल परसों एक कस्टमर जो आया था मेरे दुकान पे, वो कहने कि एक फ़ोन देके गए थे, उसको कल डिलीवर करना था, लेकिन भाई साहब कल नहीं मिला, तो वो मेरे घर तक आ गया आज सुबह को, मतलब उसका फ़ोन जो आज डिलीवर हो जाएगा, लेकिन उनको इतना भी अरे भाई साहब घर पे कौन आता है,
चलो कोई नहीं, अभी का पहला काम है हमारा, पहले तो मोबाइल का जो सामान है उसको फिक्स करने के बाद उनको घर पे डिलीवर करना, क्योंकि सुनने में आए वो औरत जो मेरे घर तक आ गई है, मतलब दोपहर को, उस टाइम पे हम लोग नहीं थे, तो मेरे घर पे आ गई है। अब क्या कहना, उसको जाके डिलीवर करते हैं, अब उसका रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि उसको कल देने वाले थे। और वो आंटी, जितना सुनने में आया कि आंटी जो है ना थोड़ा एजेड है, उनको एक मिनट भी फोन बिना फोन का रह नहीं सकती है। वो काम को पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो अभी निकलते हैं। सो गाइस, ये रहा उनका फोन, तभी उनके फ्लैट पे आए हुए सेकंड फ्लोर पे, तभी डिलीवर करते हैं। বেরোয় না তো তাহলে আমি বাবা তুমি তাহলে ব্যাগ কভারটা দিতে পারো রাখো, একবার আমি ছবি তুলে নিয়ে একটা নাকি রাখো তাহলে